हम क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो क्वेश्चन रहेगा था वो करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं क्या टाइप ऑफ हाफ सेल्स, ठीक है, टाइप ऑफ हाफ सेल्स मतलब हम जब गैल्वेनिक सेल्स बनाते हैं तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाफ सेल्स हमें मतलब कि देखने को मिलता है, जितने हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ते हैं ना उसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल्स देखने को मिलते हैं, तो वो टाइप देखने वाले कौन से, जनरली तीन चार टाइप के होते हैं, तो वो देखने वाले कौन से हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो रहता है वो क्या रहता है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, ठीक है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, ठीक है। चलो देखो अगर मैं बात करूं जैसे हाफ सेल की, ठीक है, हाफ सेल की अगर हम बात करें तो देखो हाफ सेल में तुमने देखा होगा कि दो चीजें रहती हैं, दो चीजें कौन कौन सी रहती है, एक तो इलेक्ट्रोड रहती है और एक क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है। याद है जब जिंक हमने वो किया था, जिंक सल्फेट का जब एनोडिक बनाया था तो हमने क्या किया था, जिंक की इलेक्ट्रोड ली थी और हमने क्या है हाफ सेल में उसका इलेक्ट्रोलाइट भी लिया था साथ में, ठीक है। तो दो चीजें रहती हैं। अब दो चीजें रहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि हमारा, जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये देखो जिंक था, ठीक है, और हमने क्या लिया था वहां पे, जिंक का सोल्यूशन लिया था Zn प्लस टू, तो ये हमारी क्या बनी थी, इलेक्ट्रोड बनी थी और Zn प्लस टू हमारा क्या बना था, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट बना था, ठीक है, ये चीज होती है। अब देखो यानी इनडायरेक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जिंक और जिंक प्लस टू एक हाफ सेल में होते हैं, मतलब कि एक हाफ में, हाफ सेल में जैसे मेटल हो गया उसमें मेटल आयन हो गया, बेसिकली एक हाफ सेल कब बनता है जब हम एक ही चीज की क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म ले रहे हैं, सॉरी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म लेते हैं, ठीक है, हम जब क्या है ऑक्सीडाइज फॉर्म ले रहे हैं किसी भी कंपार्टमेंट में उसकी, और उसकी क्या है रिड्यूस फॉर्म भी ले रहे हैं साथ में, तो वो मिलके हमारा क्या बनाता है, हाफ सेल बना रहे हैं बेसिकली। ये चीज क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि एक हाफ सेल जो होता है बेसिकली किससे मिलके बनता है, एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था कि जैसे हमने डैनियल सेल में देखा था कि हमने जब एनोडिक कंपार्टमेंट बनाया था तो हमारा वहां पे क्या था, एक इलेक्ट्रोड थी जो जिंक की थी और एक इलेक्ट्रोलाइट था जो जिंक सल्फेट था, बेसिकली उसका सोल्यूशन जिंक प्लस टू आयन्स का, तो उनको देख, उनको कहने का मेरा मतलब क्या है कि हमने वहां पे जिंक का क्या किया था, एक ऑक्सीडाइज फॉर्म ली थी और एक रिड्यूस फॉर्म ली थी, यानी Zn प्लस टू क्या था, ऑक्सीडाइज फॉर्म था जिंक का, Zn क्या था, रिड्यूस फॉर्म था, ठीक है। मतलब हम एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस फॉर्म लेते हैं एक हाफ सेल बनाने के लिए, जैसे अगर ऐसे एग्जांपल ले लो कॉपर सल्फेट वाले का, जो कैथोडिक कंपार्टमेंट बनाया था हमने, हमने क्या किया था वहां पे कॉपर की इलेक्ट्रोड डिप की थी किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, तो वहां पे भी क्या था कॉपर की दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही थी, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, जिसमें से हमने क्या किया था रिड्यूस फॉर्म वाले को तो इलेक्ट्रोड बना लिया था, ठीक है, और जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म थी उसका सॉल्यूशन बना लिया था हमने, ठीक है। तो ये चीज है, तो हाफ सेल में हमें पता चल गया कि हमें एक इलेक्ट्रोड चाहिए और एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, यानी एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस्ड फॉर्म तो चाहिए ही होगी किसी भी चीज की, ठीक है। तो देखो उसी के बेसिस पे हमारा जो सबसे पहला जो हाफ सेल है वो कौन सा होता है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, नाम से ही पता चल गया, नाम से ही पता चल गया, होना क्या चाहिए, एक मेटल होना चाहिए, ठीक है, मेटल, और दूसरा क्या है, एक मेटल आयन होना चाहिए बेसिकली हमारा, ठीक है। तो यही तो एग्जांपल है Zn वाला जो हम ले रहे हैं, Zn वाला जो एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये किसका ही था, कैसे बनता है बेसिकली, देखो हम क्या करते हैं मेटल मेटल आयन हाफ सेल कैसे बनता है हमारा, क्या हम क्या करते हैं मेटल क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं हम, मेटल की क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं उसी के सोल्यूशन में, ठीक है, उसी का कोई हम सॉल्ट सोल्यूशन ले लेते हैं उसमें हम क्या है डिप कर देते हैं, ये हमारी मेटल की इलेक्ट्रोड हो गई, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया उसका इलेक्ट्रोलाइट हो गया बेसिकली, ठीक है, ये चीज हो गई। तो जब हम ऐसा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो वो हमारा हाफ सेल किस कैटेगरी में आता है, वो मेटल मेटल आयन हाफ सेल में आता है। मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है अगर हम देखें तो, अब मुझे अगर मान लो इस हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन करना हो, हम हर सेल में क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं और उसकी क्या है रिएक्शन लिखने वाले हैं बस, ठीक है, और देखते हैं हम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं उससे। तो देखो अगर मेरे को मान लो ये एज एनोड, अगर देखो ये हाफ सेल क्या है, एज एनोड भी हो सकता है, एज कैथोड भी हो सकता है, ठीक है, तो मैं जनरली क्या करूंगा, सारे सेल्स को क्या करूंगा, जितने भी हाफ सेल हम पढ़ेंगे कैथोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, तुम चाहो तो तुम उसको एनोड की फॉर्म में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको एज मान रहा हूँ कि एज कैथोड बिहेव कर रहा है तो रिएक्शन क्या होगी, बेसिकली रिएक्शन क्या होगी हमारी कि एम प्लस एन है एक्वस फॉर्म में, वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन खाएगा, कितने एन इलेक्ट्रॉन खाएगा और क्या बनाएगा, मेटल इन सॉलिड फॉर्म बनाएगा, ये एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसके बेसिस पे अगर मेरे को इसका वो लिखना हो, नर्स्ट इक्वेशन लिखनी हो, तो मैं लिख सकता हूँ नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, एम प्लस एन, एम जाना क्या होगा ई नोट, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना है इसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ये क्या आ जाएगा आर टी बाय एन एफ
एलएन 1 बाय एमएन प्लस 2 की कंसंट्रेशन। ये क्लियर है? ये क्लियर है, है ना? ये चीज हो गई। अब इसको अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको सिंपलीफाई कर दूं, जब हम बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ले ले, तो ये क्या बन जाता है? ये क्या बन जाता है? माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन। ये क्या आ जाएगा? लॉग 1 बाय एमएन प्लस 2। ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ गए? बेसिकली हाफ सेल की कैटेगरी में आ गए। वो भी कौन सा? मेटल मेटल आयन हाफ सेल, जहां पे हमने क्या किया है, मेटल को एज इलेक्ट्रोड देखा है और मेटल आयन को हमने क्या देखा है, एज इलेक्ट्रोलाइट देखा है बेसिकली। ठीक है, अब तुम चाहो तो ये तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल की बात की है, तुम चाहो तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ले सकते हो। करना क्या है, इक्वेशन को रिवर्स करना है। ठीक है, मैं तुम्हें एक से एक का बता देता हूँ, बाकी का तुम खुद कर लेना। देखो, जैसे एज एनोड की अगर मैं बात करूं, अगर ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा होता, तो एनोड की तरह बिहेव कर रहा होता तो ये क्या होता, एम सॉलिड जो होता, इलेक्ट्रोड जो होता, वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन लूज करता और क्या बनाता, एम प्लस एन एक्वस बनाता, और ये क्या करता, एन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता। अब इसके लिए अगर मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना होता तो क्या लिखता मैं, एम से कहां गया वो, एम एन प्लस एन गया। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? ठीक है, क्या आ जाएगा? 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग 1 बाय सॉरी एम एन प्लस 2। ये क्या आ जाएगा? लॉग एम प्लस एन, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन अगर एज एनोड ये यूज हो रहा था, ये चीज हो जाती। ठीक है, तो ये हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। अच्छा, अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी होती, मेरे को तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होती इसकी, अगर एज एनोड अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाती कि एम जो सॉलिड है वो किसमें जा रहा है, एम प्लस एन एक्वस में। और अगर इसकी कंसेंट्रेशन दी होती तो हम कंसेंट्रेशन C1 यहाँ लिख देते। अगर एज अ कैथोड देखना हो, अगर एज कैथोड देखना हो इसको, तो कैथोड में क्या हो जाएगा, एम प्लस एन एक्वस एम सॉलिड। ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारी। ठीक है ना, ये हमारी चीज हो जाएगी, हम इसको ऐसे देख सकेंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलो, अब इसकी कंसेंट्रेशन दी होगी तो हमने यहाँ पे C1 लिख दिया बेसिकली इसका C1। ठीक है, एक बार पेज ऊपर करना, थोड़ा सा और ऊपर। अरे करना क्या, लेकिन तुम्हें पेज का ये तो बता दो सर। वहाँ 1 बाय mn की प्लस n होगा ना, प्लस 2 की जगह। हाँ, सॉरी, यहाँ पे वो जिंक चल रहा है दिमाग में ना, तो बस उस चक्कर में ही। चलो, m प्लस n होगा। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ भी क्या होगा, प्लस n होगा, m प्लस n होगा, सॉरी, m प्लस n, यहाँ पे m प्लस n। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। क्लियर है? ये क्लियर है? Yes, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी हमारी। चलो देखो, तो ये हमारा क्या है, हाफ सेल बन गए। हम ऐसे जैसे हमने कॉपर वाले के लिया था, हम उसके लिए भी लिख सकते थे, कॉपर जो कॉपर प्लस 2 के साथ वो रिएक्शन कर रहा था। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जैसे अब मान लो अगर हमें ये बोला जाए कि हमें सोडियम का इलेक्ट्रोड बनाना है, मतलब सोडियम का हाफ सेल बनाना है Na प्लस और Na यूज करके, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर तुमने सोडियम की इलेक्ट्रोड ले ली और तुम्हें पता है कि सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, उसको तो जैसे तुम सोल्यूशन में डालोगे वो तो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करने लग जाएगा वहां पे। ठीक है, तो सोडियम बहुत रिएक्टिव है, तो हम क्या है, सोडियम की इलेक्ट्रोड एज अ डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हम। इवन कि हम किसी भी एक्टिव मेटल की, जो भी एक्टिव मेटल से, जो बहुत रिएक्टिव मेटल से बेसिकली, हम उनकी इलेक्ट्रोड क्या है, डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब तुम्हें दिख ही रहा होगा कि सोडियम को अगर तुम डालोगे तो वो क्या करेगा, उसके साथ रिएक्शन करने लग जाएगा, जो भी सॉल्यूशन में होगा, वाटर है वहां पे, वाटर के साथ वो क्या है, रिएक्शन करना शुरू कर देगा। और तुम थोड़ी देर बाद देखोगे तुम्हारी इलेक्ट्रोड गायब हो रखी है उसमें से, यही चीज होगी जब रिएक्शन होगी। तो अब क्या होगा बेसिकली, तो अगर हमें सोडियम का, फिर भी हम चाहते हैं कि सोडियम का कोई हाफ सेल बनाए हम, ठीक है, सोडियम यूज करके, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम क्या करते हैं, सोडियम को डायरेक्टली ना लेके क्या कर लेते हैं, हम अमलगम ऑफ सोडियम ले लेते हैं। अमलगम ऑफ सोडियम मतलब हम सोडियम को क्या करते हैं, छुपा देते हैं बेसिकली, हम उसको क्या है, अमलगम ले लेते हैं, मरकरी के साथ उसका एलोए ले लेते हैं सोडियम का, तो बेसिकली वो सोडियम क्या है, अब क्या है, उसके अंदर छुप गया, मरकरी के अंदर, ऐसे समझ लो। ठीक है, वो सोडियम क्या है, अब डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है बेसिकली, अब जो भी हो रहा है क्या है, उनके सरफेस पे जो इंटर कनेक्शन, जहाँ पे कनेक्टेड सिस्टम है ना, इलेक्ट्रोलाइट का जो अमलगम, मेटल अमलगम जो हमारा बना, ठीक है, वहां पे क्या है, रिएक्शन हो रही है बेसिकली।
ठीक है, हमने क्या कर दिया, सोडियम को क्या है, सोडियम का अमलगम ले लिया बेसिकली, हमने सोडियम का क्या कर दिया, अमलगम ले लिया, कि हमने सोडियम को डायरेक्टली कंटेक्ट में ना लाके उसके हमने क्या है इनडायरेक्ट कनेक्शन बैठा दिया उनके बीच में, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई एक्टिव मेटल्स को लेना हो तो हम उनको क्या है डायरेक्टली यूज ना करके उनका क्या है अमलगम ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। और अगर मैं इनका अमलगम लूंगा जैसे, तो इसका जो सेल बनेगा उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेसिकली, अगर मैं अमलगम लेता हूँ तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मैं एज अ कैथोड मान के चल रहा हूँ, मैं पहले ही कह रहा था कि मैं सिर्फ कैथोड की बातें करूंगा, एनोड का अगर तुम्हें सोचना हो तो जस्ट अपोजिट करना है उसको बस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली, ये हमारा बन जाएगा Na प्लस एक्वस में, ठीक है, अमलगम NaHg सॉलिड, और ये क्या है फिर Pt सॉलिड, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। मतलब अमलगम है क्या होगा बेसिकली, सॉलिड पेस्ट होगा, जैसे सॉलिड पेस्ट होता है ना वैसे, बस वो तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर है हमारा, ठीक है। यहाँ अगर रिएक्शन देखूं मैं, यहाँ रिएक्शन क्या हो रही होगी कि Na प्लस जो है एक्वस में है, ठीक है, वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और हमारा क्या है मर्करी पड़ा हुआ बेसिकली वहां पे, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा क्या बनाएगा NaHg के साथ क्या है सॉलिड बना रहा है, ये रिएक्शन होगी बेसिकली हमारी वहां पे, ठीक है, क्लियर है ये सब। यस सर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेसिकली रिएक्शन हो जाएगी, जब हम क्या है एक्टिव मेटल्स की बात करेंगे और वहां पे क्या है सोडियम अमलगम हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मेटल मेटल आयन में ये हमारा क्या हो गया पहला टाइप हो गया, मतलब कि पहला हाफ सेल का टाइप हो गया जिसमें हम मेटल मेटल आयन की सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं दूसरे वाले पे, जो ये भी हम पढ़ चुके हैं वैसे, दूसरे वाला भी वो क्या है देख लेते हैं। चलो दूसरे वाला जो है हमारा क्या है वो गैस गैस आयन हाफ सेल, गैस गैस आयन हाफ सेल, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमने कहां पढ़ा था बेसिकली, ये गैस गैस आयन, जहां पे मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो गैस है वो अपने आयन के साथ रिवर्सिबल है, जहां पे गैस है जो अपने आयन के साथ क्या है वो रिवर्सिबल है, ठीक है, वो वाली चीज। और ये हमने कहां पढ़ी थी, हाँ ये हमने कहां पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, याद हो तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने क्या है गैस गैस आयन हाफ सेल पढ़ा था, जहां पे हमने क्या बोला था कि जहां पे जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो किसके साथ रिवर्सिबल होते हैं, वो किसके साथ रिएक्शन पार्ट ले रही होती है, H प्लस आयन के साथ जो उसके अंदर होते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि वहां पे हम क्या है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड देते हैं, क्योंकि हम गैस को क्या है एज ए इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, हम गैसियस स्पीशीज को इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, इसके लिए हमें उसके लिए सॉलिड लेना होता है जहां पे हम क्या है प्लेटिनम लेते हैं, ठीक है, प्लेटिनम सॉलिड होता है हमारा, ठीक है, मतलब जिसको हम एज इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसका, H प्लस एक्वस, H2 गैस, और ये कहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड पे, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कैथोड की रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अगर रिएक्शन की बात करूं, तो रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा कि एच प्लस क्या कर रहे हैं एक्वस से, एक्वस में जो H प्लस है वो क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, और वो क्या बना रहे हैं हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं हमारे, ठीक है, ये हो गया हमारा उसका रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अपरेटस पता है, याद है अपरेटस कैसा था, मैंने बोला था कि हम क्या करते हैं वो H प्लस का कोई सोर्स ले लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं ग्लास रोड डिप कर रहे हैं, ठीक है, हमारी यहाँ पे क्या है प्लेटिनम की वायर होती है बेसिकली, ठीक है, प्लेटिनम फॉयल होता है जिसके ऊपर हम क्या है हाइड्रोजन गैस बबल करवाते हैं, ऐसा कुछ याद है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल करवा देते हैं, हम H प्लस डाल देते हैं, यहाँ पे प्लेटिनम की वायर होती है और प्लेटिनम फॉयल होती है उसके ऊपर, ठीक है, ये चीज रहती है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली, ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगर मेरे को इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखनी हो, तो मेरे को इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा, नर्स्ट इक्वेशन लिखनी हो तो नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है हमारा H प्लस का, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा हाइड्रोजन का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना यहाँ पे कि अगर गैसेस भी इन्वॉल्व हो तो उनको भी लेना होता है, तो हमें प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी लेना पड़ेगा हाफ, ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा उसको एच प्लस की कंसेंट्रेशन से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज हो गई। बच्चों तुम अपना माइक ऑफ रखो, ठीक है, नॉइज आ रही है, ठीक है, तुम जब कुछ डाउट हो तभी ऑन अनम्यूट करना अपने आपको, ठीक है, चलो।
चलो देखो, हमें पता है कि स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का वो कितना होता है, जीरो होता है। तो हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा हाइड्रोजन का वो कितना बन जाएगा, देखो ये हो गया हमारा माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन, क्या आ गया प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई एच प्लस कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है। और अगर मैं इसको सोल्व कर दूं, जरा हल्का सा सोल्व कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 0.059 लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एच प्लस का, ये हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, बताओ यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है चलो, अब देखो, अब अगर मैं मान लो ये एज्यूम कर लूं कि अभी मैं एज्यूम कर लूं, जो नहीं भी जनरली दिया होता तो हम एज्यूम कर लेते कि प्रेशर कितना हाइड्रोजन का 1 एटमॉस्फेयर है, तो मेरा जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, देखो जरा एक बार ध्यान से देखना, माइनस 0.059 लॉग 1/H+। ठीक है, 1/H+ हो जाएगा। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, माइनस 0.059 लॉग माइनस ऑफ एच प्लस, ऐसे लिख सकता हूं, बोलो। देखो ये स्टेप मैंने क्या किया, मैं फिर से बताता हूं, देखो मैंने क्या किया, मैं सिर्फ न्यूमेर उसको चेंज कर दिया, मैंने उसको माइनस 0.059 था, मैंने क्या कर दिया इसको चेंज कर दिया। जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाते लोग के अंदर, तो उसके साइन चेंज हो जाते, तो मैंने ये चीज कर दी। अब क्लियर है ये चीज, क्लियर है? यस सर। तो अब देखो, अब ये माइनस लॉग एच प्लस क्या होता है बताओ, माइनस लॉग एच प्लस क्या होता है, मेरा पीएच होता है कि नहीं होता है, तो ये क्या आ गया मेरा पीएच आ गया। तो मतलब यहां से ये देखो कि जो मेरा हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली पीएच पे। मैं स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड पे तो कंसेंट्रेशन फिक्स होती है। मैं किस पे बात कर रहा हूँ, मैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे जो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, पीएच पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे। तो मतलब इसके हिसाब से देखो, अगर मेरा पीएच बढ़ेगा तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा। अगर मैं एच प्लस बढ़ाऊं तो क्या होगा, मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। क्यों, मेरा H+ बढ़ने से क्या होगा, pH कम होगा, और pH yes. कम होने से राइट साइड की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, सॉरी pH कम होगा तो मेरी राइट साइड की वैल्यू नेगेटिव में, देखो नेगेटिव में कम हो रही है, मतलब कि ज्यादा हो रही है। ठीक है, नेगेटिव में कम हो रही है तो मतलब ज्यादा हो रही है बेसिकली। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे, तो ये चीज हो गई। अब इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन था जो मेरे से डाउट भी आया था, वो क्वेश्चन क्या था, एक मिनट रुको, तुम्हारे मॉड्यूल का ही है, एक मिनट रुको, कहाँ गया, एक क्वेश्चन दे रखा था कि हाँ, एग्जाम्पल 20 दे रखा था, उसने बोला था व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद सॉल्यूशन व्होस पीएच इज 10। ठीक है, उसने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूछा था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इन कॉन्टेक्ट विद अ सॉल्यूशन व्होस पीएच इज 10। देखो वो कह रहा है कि उस सॉल्यूशन का रिडक्शन पोटेंशियल बताओ जिसमें वो क्या है, किस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जिसका पीएच क्या है 10 है। देखो यहाँ पे ना स्टैंडर्ड वर्ड गलत यूज किया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। क्वेश्चन में एग्जांपल 20 अगर तुम देखोगे वहां पे उसने क्या बोला हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि गलत है, स्टैंडर्ड तो जीरो ही होगा। ठीक है, लेकिन हाँ उनको सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल बोलना चाहिए था। वो कह रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, जब हमने जो सोल्यूशन ले रखा है वो कितनी पीएच का ले रखा है, पीएच 10, तो बताओ कितना होगा पीएच 10 का, अगर मैंने सोल्यूशन ले रखा है तो सीधा सीधा पता चल जाएगा 0.59। हाँ बस, वेरी गुड। तो आंसर में अगर मैं बात करूं तो आंसर में क्या हो जाएगा, सीधा हमें पता है कि देखो इसमें कुछ प्रेशर की बात नहीं कर रखी है ना, तो प्रेशर अपने बाय डिफॉल्ट समझ लेंगे कि 1 एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। अगर कोई वो प्रेशर की बात करता तो हम देखते फिर क्या होता क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे अगर हम बात करें तो EH+H2PT, ये क्या हो गया हमारा -0.059 pH होता है, pH क्या है 10 है हमारा, तो ये कितना आ गया -0.59 आ गया। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, क्लियर है, ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है चलो, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या है, हमें क्या है
प्रेशर और एटमोस्फेयर, प्रेशर और जो कंसंट्रेशन है वो दोनों दे रखे हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाँ हाँ ये रहा क्वेश्चन देखो। चलो वो बोल रहा है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास। वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि फाइंड द ईएमओ ईएमएफ ऑफ, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, उसने एक हाफ सेल दे रखा है, उसने कहा है उसका ईएमएफ फाइंड करो कितना होगा। ठीक है, तो देखो उसने क्या सेल दे रखा है, उसने सेल दे रखा है प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस 1 एटमोस्फियर। ठीक है, और HCl कितना दे रखा है उसने, 0.1 मोलर। एक तो ये चीज दे रखी है। सेकेंड पार्ट उसने क्या दे रखा है, प्लेटिनम दे रखा है, हाइड्रोजन गैस क्या है 2 एटमोस्फियर पे दे रखी है। ठीक है, और H2SO4 दे रखा है उसने कितना, 0.01। ठीक है, चलो दोनों केसेस में निकालते हैं, देखो क्या होगा। पहले केस में देखो, पहले केस में तो सीधा प्रेशर उसने 1 एटमोस्फियर दे रखा है, तो मैं तो सीधा इक्वेशन लगा सकता हूँ कि H+H2 और जो PT का रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, बेसिकली -0.059 pH होगा, क्योंकि प्रेशर 1 एटमोस्फियर दे रखा है। ये ध्यान रखना कंडीशन, प्रेशर को ध्यान रखना, प्रेशर 1 एटमोस्फियर। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या है हमारा, 1 एटमोस्फियर है। ठीक है, तब हम बोल रहे हैं ये चीज। तो अब देखो उसने सीधा, तो सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूँ। देखो पीएच निकालना है, पीएच के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एच प्लस की कंसेंट्रेशन। अब HCl कितना दे रखा है, 0.1 मोलर। ठीक है, तो एच प्लस कितना आएगा यहाँ से, 0.1 मोलर ही आएगा। यस सर। ठीक है, तो पीएच कितना हो जाएगा बताओ, माइनस लोग एच प्लस। पीएच कितना हो जाएगा, माइनस लोग 0.1। ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया, -0.059, क्योंकि पीएच 1 है, तो ये आ जाएगा इसका। क्लियर है? यस सर। अब सेकंड, उसने H2 से, जैसे सर उसने ईएमएफ H2 से HCl का, मतलब सर H2 से H+ का पूछा है, तो सर इसे प्लस करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर दी ना, मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की तरह उसको ट्रीट कर दिया। उसने चलो इसका पूछा है, तुम अपोजिट कर दे, रिवर्स कर दे, यही आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा आपको। ठीक है, हाँ मतलब ये सही चीज कही तुमने कि उसने क्या पूछा है, H2 से H+ का पूछा है बेसिकली, और हमने क्या निकाला है यहाँ पे, H+ से H2 का निकाला है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्लियर है ये चीज। हमने क्या है, स्टार्टिंग में ही हमने क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है। तो तुम क्या कर दोगे, इसका रिवर्स ही कर दोगे बेसिकली, बस साइन चेंज कर देंगे। हाँ, साइन चेंज कर दोगे। तो अब देखो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे सेकंड में मैं रिडक्शन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है पीएच का, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ सीधा। ठीक है, चलो देखो सेकंड क्वेश्चन में ध्यान रखना, दो चीजें हैं यहाँ पे, दो चीजें मैटर कर रही है। पहली चीज क्या मैटर कर रही है, पहली चीज तो ये मैटर कर रही है कि हाइड्रोजन का प्रेशर जो है 1 एटमोस्फेयर नहीं है। दूसरी चीज, जब H+ की कंसंट्रेशन निकालोगे तो तुम्हें एसिड की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे H+ की कंसंट्रेशन भी वही होगी। जैसे HCl के केस में तो वो हो जाएगी, लेकिन H2SO4 के केस में क्या होगा, अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, तो तुम्हारी H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0.02। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, कई बार जल्दी जल्दी में कर दो कि कंसंट्रेशन इतना सीधा डाल दो, पुट कर दो, वहां पे ध्यान रखना H+ की कंसंट्रेशन चाहिए। तो अब हमारा क्या है, प्रेशर क्या है, 2 एटमोस्फेयर है, तो मैं ये चीज तो नहीं यूज करने वाला, मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा ये वाला एक्सप्रेशन। मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि मैं रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा, लेकिन मैं अभी रिडक्शन निकाल रहा हूँ, फिर चेंज कर देंगे हम। तो मैं ये वाला एक्सप्रेशन या वो करूंगा, याद रखना। ठीक है, ये वाला करूंगा इंक्लूड। तो देखिए क्या हो जाएगा मेरा, बेसिकली ये क्या हो जाएगा, H+H2PT जो होगा मुझे क्या देगा, -0.059। ठीक है, लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1/2। हाँ, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1/2 डिवाइड बाय H+ की कंसंट्रेशन, ये आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, -0.059 log प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर है। yes, ठीक है, और हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 0.02 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, 2 की पावर 1/2। हाँ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा बेसिकली, और log 100 कितना होता है, 2 होता है, 2 की पावर क्या है, 1/2 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करो, ये कितना आएगा बेसिकली, अगर मैं देखू तो ये आ जाएगा हमारा 100 बाय
हंड्रेड बाय रूट टू आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना है ना, इसको ऐसे सोल्व कर लेना कि लॉग हंड्रेड प्लस लॉग सॉरी माइनस लॉग रूट टू माइनस माइनस लॉग रूट टू, और रूट टू को फिर सोल्व कर सकते हो टू की पावर वन बाय टू करके, वन बाय टू आ जाएगा। हाँ टू माइनस वन बाय टू, ठीक है। चलो ये चीज हो जाएगी, फिर इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा जल्दी निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है। माइनस जीरो पॉइंट फोर फोर आ रहा है सर, माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन इंटू पॉइंट एट फाइव, पूरा 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 सोल्व करके, पूरा सोल्व करके माइनस पॉइंट जीरो फोर फोर आ रहा है। हाँ लेकिन सर प्लस कर देंगे उसने, वो उसका पूछा है ना एच टू से एच हाँ, प्लस हाँ, हाँ, वो तो ठीक है। चलो तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली, इसका कितना आ जाएगा पॉइंट फोर फोर है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा बेसिकली पॉइंट जीरो फाइव नाइन आ जाएगा, जीरो पॉइंट सर इसका नीचे आएगा सर 0.05 0.5105 आ रहा है सर, वो कह रहा है 0.44 आ रहा है, पर देख लो क्या आ रहा है सर, अच्छा 0.44 आएगा। हाँ तो 0.44 आ रहा होगा फिर, चले आगे चले। यस सर। चलो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस हिसाब से क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में तुम ध्यान देना कि तुमने क्या किया है बेसिकली। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुमने ये ध्यान देना है प्रेशर से वन एटमोसफियर दे रखा है या नहीं दे रखा, या एसिड कैसा दे रखा है। वो हो सकता था वो वीक एसिड भी दे देता, सी एच थ्री सी ओ एच दे देता, एसिडिक एसिड दे देता, तो वो तुम्हें फिर उसका के ए देता। तुम क्या करते के ए की हेल्प से एच प्लस कंसेंट्रेशन निकालते फिर पुट करते, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो अगर वो तुम्हें वीक एसिड दे देता सी एच थ्री सी ओ एच उसका सोल्यूशन दे देता, तो तुम क्या करते पहले इसका एच प्लस निकालते कि होता कितना है। मान लो उसने कुछ कंसेंट्रेशन दे दिया इसका पॉइंट वन दे दिया, मतलब ऐसे ज्यूम कर लेते सी दे दिया मान लो, ठीक है, और इसका के ए दे दिया उसने, तो तुम क्या करते जीरो जीरो टाइम जीरो पे इक्विलिब्रियम पे क्या होगा सी माइनस सी अल्फा और सी अल्फा। फिर तुम यहां से क्या करते पहले एच प्लस निकालते, ठीक है। एच प्लस कितना आ जाएगा हमारा बेसिकली अगर हम बात करें तो रूट के ए बाय सी आ जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेशन लेके ऐसे आ जाएगा। पता है ना ये चीज, या करके दिखाऊं? पता है सर। हाँ ये चीज हो जाएगी हमारी बेसिकली, ठीक है। ये करोगे सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, तो यहाँ से अल्फा निकाल के उसमें रखोगे तो एच प्लस हमारा इतना आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो फिर तुम फिर पुट करोगे उसमें, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो तो ये हमारा क्या हो गया सेकंड टाइप का भी हाफ सेल हो गया, जहां पे हम गैस गैस आयन की बात कर रहे हैं। और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, जैसे अगर मैं मान लो सी एल माइनस सी एल टू और पी टी की बात करूं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली ऑक्सीडेशन बता दिया मैंने, ऑक्सीडेशन की रिप्रेजेंटेशन बता दी मैंने, ठीक है। ये तुम्हें जज खुद ही करना है कि हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं या रिडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। चलो ऐसे ही हमारा क्या है अब थर्ड टाइप का सेल होता है, वो कौन सा होता है, थर्ड टाइप का हाफ सेल होता है वो कौन से होता है, रिडॉक्स हाफ सेल। रिडॉक्स हाफ सेल की बात कर रहे हैं। जनरली रिडॉक्स हाफ सेल में क्या होता है कि एक ही स्पीशीज जो है मतलब कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस है और दोनों ही आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे अभी तो क्या था जिंक और जिंक प्लस टू के अगर सोल्यूशन की बात करूं मैं, जिंक और जिंक प्लस टू के सोल्यूशन की बात करता हूँ, तो उसकी जो रिड्यूस फॉर्म है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, वो तो सॉलिड है न्यूट्रल एटम है बेसिकली, और जो उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो आयनिक फॉर्म में है। लेकिन रिडॉक्स हाफ सेल में जनरली क्या रहता है कि जो रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, रिड्यूस्ड या फिर जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, वो दोनों ही क्या है आयनिक स्पीशीज होती है। अब तुम इसको एग्जांपल देख सकते हो कैसे, एक बार दोबारा बताना सर ऊपर वाला, ये वाला क्या बोलो, ये एसिटिक एसिड वाला, यस सर। हाँ एसिटिक एसिड वाले में मैंने ये बोला कि अगर उसने तुम्हें मान लो वीक एसिड दे दिया ना, तो तुम वीक एसिड में जैसे उसने मान लो 0.1 मोलर दे दिया, ठीक है, तो तुम ऐसा नहीं कि उसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दिखोगे। तो वीक एसिड के केस में तुम्हें सोचना है कि तुम्हें इक्विलिब्रियम लगा के आयनिक भी इंक्लूड कर सकता है ना वो, तो उसने आयनिक भी इंक्लूड कर दिया, इक्विलिब्रियम लगा के तुम पहले एच प्लस निकालोगे। जैसे उसने सी कंसंट्रेशन दे दी तो तुम्हें इक्विलिब्रियम आता है सी जीरो जीरो होगा इनिशियल पे, ठीक है, और फिर टी इक्विलिब्रियम पे सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा। तो यहां से जब तुम इसको सोल्व करके निकालते हो तो एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या आएगी तुम्हारी, अगर अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हो तो ये चीज आती है,
ठीक है, तो यहाँ से पहले एच प्लस निकालोगे फिर उसको पुट करोगे जो भी हमने हाफ सेल लिखा है। और कोशिश ये करना कि जैसे इसमें तुमने हाँ मतलब फॉर्मूला जैसे याद कर लिया, ठीक है फॉर्मूला अगर याद रख सकते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन यही करना कि हाफ रिएक्शन खुद से लिखना और खुद बनाना, क्योंकि उसमें फिर गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अभी क्या है, अगर मान लीजिए तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ जाए तो तुम पहले इसमें दो तीन चीजें याद रखोगे, अच्छा कि मतलब कि H2 एटमॉस्फेयर देखना है, कहीं फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे सीधी बातें होगी, तो बहुत सारी चीजें याद रखनी हो जाती है। तो तुम कोशिश क्या करना, जैसे हमने ये हाफ सेल से बनाया था ना, ये जो हमने हाफ सेल से ये बनाया था फॉर्मूला, तो तुम हाफ सेल से शुरू करना, सीधा फॉर्मूला बनाना तुम कोशिश ये करना, क्योंकि इसमें क्या रहता है गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं पहली चीज, और ठीक है और तुम्हारा कंसेप्ट ही बिल्डअप होता है जब तुम 5-6 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे रिएक्शन बना बना कर, तो छठे में तो तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, तो तुम्हारी ही प्रैक्टिस होगी। और उसमें ये भी होगा कि तुम फॉर्मूले से भी बचोगे, ठीक है जहाँ पे ज्यादा ही जरूरी होंगे फॉर्मूले यूज करना वहां पे हम बता दिए जाएंगे हाँ भी वहां तुम यूज कर सकते हो ये चीज, ठीक है ये चीज है। चलो देखो हाँ, अब जैसे देखो रिडॉक्स हाफ सेल की बात कर रहे थे हम, तो रिडॉक्स हाफ सेल में हम ये बोल रहे थे कि रिडॉक्स हाफ सेल में क्या होता है, हमारे पास जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है किसी भी चीज की, वो दोनों ही आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जनरली रिडॉक्स में यही होता है। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि जिंक और जिंक प्लस टू का आयन था, ठीक है तो उसमें क्या था Zn क्या था सॉलिड फॉर्म में था, Zn प्लस टू किसमें था आयनिक फॉर्म में था। अब अगर हम बात करें कि रिडॉक्स में क्या है, बेसिकली दोनों ही क्या है आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे आगे रखूंगा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो मान लो सिस्टम के अंदर मेरा क्या है, सिस्टम के अंदर मेरा क्या है Fe+2 और Fe+3 आयन, ठीक है सिस्टम के अंदर मेरा क्या है Fe+2 और Fe+3 आयन, तो यहाँ पे क्या है ये एज अ रिडॉक्स हाफ सेल काम कर सकते हैं। कि अगर मैं मान लो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब अगर इसको कैथोड बनाना है तो Fe+3 को Fe+2 में चेंज कर सकता हूँ, अगर इसको एज एनोड ट्रीट करना है तो Fe+2 को Fe+3 में भी चेंज कर सकता हूँ। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे हाफ सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं रिडॉक्स हाफ सेल। बनते कैसे हैं, देखो दोनों ही आयनिक फॉर्म में है, दोनों ही आयनिक फॉर्म में, तो ऑब्वियस ही बात है हमें कोई ना कोई बाहर से सॉलिड तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आयन को कभी इलेक्ट्रोड तो नहीं बनाएंगे ना, तो जो बाहर से हम लेंगे वो क्या है हम प्लेटिनम ले लेंगे। हमने क्या कर दिया बेसिकली प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या कर दी डिप कर दिया किसके सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूशन के अंदर जहां पे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म दोनों ही आयनिक उसमें पड़ी है, ये हमारा क्या बन गया रिडॉक्स हाफ सेल बन गया, ठीक है तो ये चीज हो गई। हाँ मैंने क्या कहा ना देखो दोनों आयनिक फॉर्म में है, रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म दोनों आयनिक फॉर्म में है, तो इनकी इलेक्ट्रोड तो नहीं बन सकती ना, जैसे हाइड्रोजन गैसेस में होता है तो उसकी इलेक्ट्रोड थोड़ी बनाते हैं हम इलेक्ट्रोड जनरली सॉलिड की ही लेते हैं, मतलब सॉलिड मेटल जो होते हैं उनकी लेते हैं, तो यहाँ पे वही चीज हुई है, यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रोड तो यूज कर नहीं सकते Fe+2 और Fe+3 की, वो तो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें इलेक्ट्रोड हम किसके लेते हैं बेसिकली प्लेटिनम के लेते हैं, ठीक है हाँ ये चीज है। तो चलो देखो अब हम क्या बोल रहे हैं ये रिड्यूस ऑक्सीडाइज फॉर्म। हाँ तो अब देखो अगर मुझे पहले तो मैं रिप्रेजेंटेशन देख लेता हूँ, अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन करना तो रिप्रेजेंटेशन क्या से हो जाएगा, मेरे को क्या है एज इसको क्या दिखाना है कैथोड दिखाना है, तो कैथोड में क्या होगा Fe+3 क्या करेगा Fe+2 एक्वस और पीटी सॉलिड, यहाँ पे वो चीज आ गई। तुम्हें याद है मैं ये लाइन क्यों लगाता था, ये लाइन क्यों लगाता था, क्योंकि फेज को सेपरेट करना होता था, और मैं बोलता था जब फेस दोनों के सेम होंगे तो हम कोमा लगाते हैं, देखो Fe+3 भी एक्वस में है और Fe+2 भी एक्वस में है, तो दोनों को हमने कोमा से सेपरेट किया, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, मतलब ये इसकी हाँ इसका रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इसका सेल नोटेशन लिखना चाहूँ, हाफ सेल नोटेशन लिखना चाहूँ, तो वो क्या हो जाएगा Fe+3 क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन लिख रहा है, हाँ वो Fe+2 में जा रहा है, ठीक है ये चीज हो रही है, मतलब अगर इसकी रिएक्शन लिखना चाहूँ तो ठीक है ये रिएक्शन लिखना चाहूं, और अगर इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखना चाहूं तो, अगर मैं इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगी, नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी Fe+3 से Fe+2 जाना और फिर प्लेटिनम, हाँ तो E0 Fe+3 Fe+2 माइनस RT/NF LN क्या हो जाएगा बेसिकली हमारा यहाँ पे Fe+2 कंसंट्रेशन Fe+3 की कंसंट्रेशन, ठीक है ये चीज हो जाएगी। मैं आगे लिख देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे अगर
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। वाईफाई अटक गया सर। नो वॉइस सर। नो वॉइस सर। जी नो वॉइस सर। नो वॉइस आया है सर। अरे थोड़ा टिक जा कर यार। नो स्क्रीन। अपनी भी मीटिंग है क्या 11:30 बजे? अरे मेडिकल वाला। मेडिकल वाला हमारे नहीं है। मेडिकल वाला पीटीएम नहीं सर। सबकी हो गई है। सबकी हो गई है। मैं आ रहा नहीं सिर्फ मेडिकल वालों की है। देख तो ले एक बार फोन। सर आ गए। सर आ गए। अब तो दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है? यस सर। यस सर स्क्रीन दिख रहा है। चलो चलो ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि n क्या है यहाँ पे हमारा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना ट्रांसफर होने बेसिकली 1 हो जाएगा इस हाफ सेल के लिए बेसिकली। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा इसका Fe+3 Fe+2 सिस्टम का। ठीक है सर। प्लैटिनम क्यों लेंगे? इससे क्या फायदा होगा? मतलब प्लैटिनम लेने से प्लैटिनम लेने से बेटा ये फायदा होगा कि हाँ कि एक बात बताओ जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाओगे वो क्या सोल्यूशन के थ्रू जैसे अगर मान लो एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में जो कनेक्शन करना है वो सीधा ये थोड़ी करोगे कि जो वो करोगे तुम सोल्यूशन को कनेक्ट करोगे आपस में। तुम्हें क्या एक सॉलिड चाहिए होगा ना जहाँ पे क्या है बेसिकली एक तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इनके बीच में वो इस सरफेस पे होगा। दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेजेगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे कुछ मटेरियल तो चाहिए होगा ना हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए। यस सर। अब सॉल्यूशन से थोड़ी इलेक्ट्रॉन सीधा सॉल्यूशन में तुमने गेर दी तार और वो इलेक्ट्रॉन चला गया ऐसा थोड़ी होगा। किसी और चीज को भी ले सकते सर इलेक्ट्रॉन। प्लैटिनम की जगह किसी और चीज को भी ले सकते हैं सर। ले सकते हैं। बस ये देखना है कि तुम्हें वो इनर्ट होनी चाहिए। मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट बताया था ना तुम्हें कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर जाती है रिएक्शन में। Yes, sir. तो हमें इस हिसाब से लेनी है कि वो इनर्ट होनी चाहिए। ले तुम कुछ भी सकते हो। मतलब थोड़ा मतलब सब फैक्टर देखी जाती है कि जैसे वो आसानी से मिल पा रही है या नहीं। ज्यादा महंगी तो नहीं है। ठीक है मतलब कि ज्यादा वो और मतलब कि रिएक्शन वगैरह तो नहीं कर रही। इनर्ट है ना खराब तो नहीं होती। सब चीजें देखते हैं। ऐसा नहीं एक से हम हाँ वो चीज करेंगे। ठीक है तो ये चीज है। तो हम जनरली प्लैटिनम का ही यूज ले लिया। मेटल यूरेनियम हो गया टिट्रेनियम हो गया तो उसका हम किस तरह कराएंगे? पहली बात तो ये यूरेनियम उससे जाना नहीं। यूरेनियम तक तो जाना नहीं है। ठीक है यूरेनियम तक तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। वो तो वैसे ही रेडियो एक्टिव होती है। वो तो रिएक्शन में तो क्या ही पार्ट लेगी वो खुद ही अपने आप डिसइंटीग्रेट होती रहेगी। ठीक है दूसरी चीज हमें जाना कहाँ तक है? एक्टिव मेटल्स तक जाना है। और एक्टिव मेटल के केस में जैसे अभी हमने सोडियम का देखा था तो हमने क्या किया था? सोडियम अमलगम ले लिया था है ना। तो ऐसी चीज है। ओके सर। चलो तो ये चीज हो गई हमारी। चलो ऐसे ही हमारे क्या है और एग्जांपल भी हो सकते हैं। जैसे देखो क्या है ऐसे अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं तो Cr2O7-2 और Cr+3 का सिस्टम अगर मैं इसकी बात करूं Cr2O7-2 Cr3+ का सिस्टम ये क्या है प्लैटिनम का दबा। तो ये भी क्या है बेसिकली हमारा क्या है ये भी एक रिडॉक्स हाफ सेल बन सकता है क्योंकि देखो क्रोमियम यहाँ पे क्या है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है वो भी आयनिक स्पीशीज है। और क्रोमियम क्या है दूसरा क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या है वो भी एक आयनिक स्पीशीज होगी। मतलब देखिए रिडॉक्स हाफ सेल बन गया जिसके रिडॉक्स और ऑक्सीडाइज फॉर्म दोनों प्रेजेंट है दोनों आयन। एक के दिखाओ और इसके लिए तुम रिएक्शन लिखो मैं लिखूंगा बाद में पहले तुम लिखो एक बार और इसका क्या करो फिर नर्स्ट इक्वेशन भी मेरे को बताओ क्या होगा दोनों करो। लिख ली होगी रिएक्शन? रिएक्शन वैसे ही लिखनी है जैसे हमने रिडॉक्स के टाइम पे लिखी थी याद हो तो Cr2O7-2 क्या जा रहा है ये क्या कर रहा है Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है।
ठीक है, तो वही बैलेंस करके पूरी प्रॉपर बैलेंस करके कैसे कि दो क्रोमियम है ठीक है, फिर वाटर को बैलेंस करने के लिए 7H2O ठीक है, 7H2O, फिर इधर क्या कर दोगे तुम, चार्ज बैलेंस करेंगे सर H पॉजिटिव से, 14H+ लगा दोगे, और फिर आप चार्ज बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन सर, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेसिकली हमारे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिएक्शन हो रही होगी हमारी बेसिकली वहां पे, ठीक है, ये चीज हो रही होगी। अगर इसकी नर्स इक्वेशन लिखनी पड़ जाए तो नर्स इक्वेशन क्या होगी, Cr2O7-2 से Cr+3 Cr2O7-2 से Cr+3 से Pt, ठीक है, -0.059, मैं सीधा भी लिख रहा हूँ, अभी सीधा लिख रहा हूँ, लोग क्या हो जाएगा, क्रोमियम प्लस थ्री की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर बाय Cr2O7-2 की, यहाँ पे आ भी नहीं रहा आप ये, चलो आगे लिखता हूँ मैं, आगे हो जाएगा ठीक है, इसको आगे लिखता हूँ मैं, समझ तो आगे हो गया कैसे लिखनी है क्या yes, करना sir. है yes, हाँ, तो नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी होगी तो क्या हो जाएगी हमारी, Cr2O7-2 Cr+3 ये किसके लिए लिख रहा हूँ, एज अ एनोड लिख रहा हूँ या एज अ कैथोड लिख रहा हूँ मैं, रिडक्शन हो रहा है ना इसका, प्लस सिक्स से वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बेसिकली रिडक्शन हो रहा है उसका, तो मैं एज अ कैथोड उसको लिख रहा हूँ, और H प्लस का ध्यान देना, H प्लस कितना होगा, 14 होगा, H प्लस की पावर जो होगी वो कितनी होगी, 14 होगी, ठीक है, ये चीज हो जाएगी, क्लियर है ये चीज, चलो तो इसके बेस पे नर्स्ट इक्वेशन होगी, रिप्रेजेंटेशन भी होगी, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन भी हो गई हमारी और रिएक्शन भी हो गई, ठीक है, ये चीज हो गई। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे, देखो क्वेश्चन है हमारे पास एक, ठीक है, वो क्या कह रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालो इस सिस्टम का, Cr2O7-2 और Cr+3 का, वो तुमसे क्या पूछ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, और उसने क्या कंडीशन दे रखी है, उसने दे रखा है कंडीशन की सोल्यूशन क्या है, कितने पीओएच पे है, सोल्यूशन कितना पीओएच पे, 11 पीओएच है सोल्यूशन का, ठीक है, और इसकी जो कंसेंट्रेशन है Cr+3 की, और वो Cr2O7-2 की जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी है, 1 मोलर है, 0.01 मोलर है, और जो ई नोट दे रखा है हमको कितना दे रखा है, Cr2O7-2 से Cr+3 का जो ई नोट दे रखा है वो कितना, 1.33 वोल्ट दे रखा है, तो वो कह रहा है कि फाइंड करो किसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, तो जल्दी से फाइंड करके बताओ कितना होगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल, सर एच पॉजिटिव की, तो सर क्या एच पॉजिटिव, क्या नहीं सर, एक मिनट सर, वोल्ट क्या हो गया, -0.23 वोल्ट, ऐसा तो नहीं आ रहा, 1.55 ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं तुमने क्या किया, देखते हैं, देखो देखो पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या थी हमारी, Cr2O7-2 इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, ई नोट क्या हो गया, Cr2O7-2 से Cr+3 -0.059 बाय एन, तो 0.9 कुछ आ रहा है, हाँ 0.9 आ रहा है, किसका आया 0.9, मेरा सर, नवदीप का सर, हाँ बस बढ़िया है, इतना ही कुछ आएगा, H प्लस क्या आ जाएगा, 14 हो जाएगा, देखो चलो ये हमें वैल्यू दे रखी कितनी, 1.33, ये हमें वैल्यू दे रखी है 1.33,
एन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ से, छह हो रहे हैं, अभी रिएक्शन लिखी थी ऊपर, ये रिएक्शन लिखी थी, छह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो एन सिक्स हो गया। सीआर प्लस थ्री की कंसेंट्रेशन हमें दे रखी है, सीआर टू ओ सेवन माइनस टू की दे रखी है, हमें एच प्लस नहीं दे रखा, लेकिन हमें क्या बता दिया उसने, पीओएच बता दिया कि पीओएच कितना, इलेवन है सोल्यूशन का, तो पीएच कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, बोलो थ्री हो जाएगा सर, है ना, तो एच प्लस कितना हो जाएगा, फिर इससे एच प्लस कितना हो जाएगा, टेन की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, टेन की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है, कर दो अब इसको सोल्व, देखो अब करते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा, 1.33 माइनस 0.059 बाय 6, ठीक है, लॉग क्या आ जाएगा, लॉग हमारा हो जाएगा सीआर प्लस 3 कितना है हमारा 0.01 माइनस 4 आगे आ जाएगा सर, इसका लॉग सीआर प्लस 3 0.01 का स्क्वायर है, ठीक है, 0.01 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.01 और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3 इनटू की पावर 14, ये आ जाएगा, तो देखो 1.33 हाँ कुछ ऐसे ही आएगा, हाँ यही आएगा, मतलब अब देखो इसको तुम क्या है अप्रोक्सीमेटली 0.06 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, तो मैंने इसको 0.06 लिख लिया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये हो गया, तो ये हमारा कितना आ गया, ये से एक कैंसिल, ये कितना बचा 0.01 बचा, और ये कितना आया 10 की पावर माइनस 42, ये चीज आ गई, तो ये कितना हो गया 1.33, ये कितना आ गया माइनस 0.01, लॉग की वैल्यू कर दो सोल्व, लॉग कितना आएगा बेसिकली हमारा यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 41 आ जाएगा और 39 आ जाएगा, नहीं रुको 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 42 इंटू 10 की पावर, हाँ 40 आ जाएगा बेसिकली 40, हाँ 0.01 कितना आ गया ये बेसिकली हमारा लॉग 10 की पावर 40, तो ये कितना हो जाएगा 1.33 माइनस 0.01 इंटू 40 log. अब आवाज आ रही है तुमको, स्क्रीन दिख रही है ना, यस यस सर, यस सर, चलो तो देखो यहाँ 0.93 हमारा आ गया था आंसर, 0.93 वोल्ट आंसर आ गया था सबका, यस सर, हाँ चलो देखो अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि एक रिडॉक्स सेल हमारा और बन सकता है, रिडॉक्स हाफ सेल, ये है मतलब वो वाला सेल जहाँ पे मैंगनेट आयन की MnO4 माइनस, मतलब MnO4 माइनस ले रहा है, वो किसके साथ रिवर्सिबल में, Mn+2 आयन के साथ है, ठीक है, ये चीज हो गई, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ अब ये भी क्या है रिडॉक्स बन, वैसे तो बहुत सारे रिडॉक्स वो हाफ सेल बन सकते हैं, लेकिन हमें जनरली क्या है तीन के बारे में डिस्कस करना है, हम ये तीन ही जनरली पूछे जाते हैं, तो हम इन तीनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दो हमने कर लिए, तीसरा ये है, तो मैंने तीसरे की तुम्हें रिप्रेजेंटेशन लिख के दे दी है, और मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम मुझे इसका क्या करो, रिएक्शन भी लिखो, एक तो पूरी बैलेंस एक रिएक्शन लिख के दिखाओ, और इसका फिर नर्स्ट इक्वेशन भी लिख के दिखाओ क्या होगा, ठीक है, इसका नर्स्ट इक्वेशन भी लिखो क्या होगा, ठीक है, ये चीज है, वही MnO4 माइनस है, ठीक है, क्या करेगा, MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 H positive gives Mn2 positive plus 4H2O. चलो देखते हैं सही है कि नहीं, सही है ये, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, रिएक्शन बन जाएगी, तो अगर मैं इसके नर्स्ट इक्वेशन लिखना चाहूं तो नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी बेसिकली, E नॉट MnO4 नेगेटिव गिव्स, एन कितना हो जाएगा, एन फाइव हो जाएगा, एन फाइव हो जाएगा हमारा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एम एन प्लस टू की कंसेंट्रेशन H प्लस की पावर 8 और MnO4 माइनस की कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये चीज जान है, तो ये हमारा क्या है, इसकी नर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, क्लियर है ये चीज, यस सर, और क्वेश्चन वो जैसे तुमने ऊपर देखा था ना क्रोमियम वाला, वो वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता तुमको, ठीक है ना, ये चीज रहेगी, तो ये हमारा क्या हो गया, रिडॉक्स हाफ सेल की बात हो गई, अब इसमें एक चीज, एक एग्जांपल और है, ठीक है, उसको खत्म, उसको कर देते हैं, फिर हम इसको खत्म करते हैं रिडॉक्स हाफ सेल को,
अब क्या है, जनरली हम क्या देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक स्पीशीज हैं जो रिडॉक्स हाफ सेल में इन्वॉल्व हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक, कई कई बार क्या है मतलब कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी क्या है रिडॉक्स हाफ सेल बना सकते हैं, जिसमें उसमें फेमस एग्जाम्पल है कौन सा, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोन, ठीक है। ये हमारा क्या है बेसिकली एक इलेक्ट्रोड है जिसमें क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं हमारा बेसिकली वो बना रहे हैं रिडॉक्स हाफ सेल बना रहे हैं। कैसे देखो, इसमें क्या होता है हमारा जो क्विनोन होता है वो बेंजो क्विनोन के साथ क्या है बेसिकली रिएक्शन में पार्ट लेता है। तुमने पढ़ा होगा क्विनोन के बारे में, पढ़ा होगा तुमने क्या होता है क्विनोन, बताओ क्या होता है सर, किसके बारे में, क्विनोन के बारे में? नो सर नहीं पढ़ा, क्विनोन नहीं पढ़ा सर, ना सर नहीं पढ़ा, क्या हो गया बेंजो क्विनोन सर, वो सिक्स मेंबर रिंग में अंदर दो डबल बॉन्ड होते हैं और बाहर डबल बॉन्ड से O2 अटैच होता है, O2 अटैच होता है सर। हाँ बस वही वही मैं बोल रहा हूँ, हाइड्रोक्विनोन और क्विनोन पढ़ा होगा बेसिकली। देखो जरा क्या है, देखो इसमें क्या रहता है, ये होता है हमारा बेंजो क्विनोन सर, ऊपर नीचे डबल बॉन्ड और हो गए कह सकते हैं सर बेंजो क्विनोन। हाँ 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 वो दो स्ट्रक्चर होते हैं ये वाले, देखो ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं, और इसका रिडक्शन करके सर वो बना देते हैं फिर। हाँ और ये क्या, हाँ रिडक्शन वहाँ पड़ा पड़ा होगा जो तुमने कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में शायद CH का CO कन्वर्ट होने याद नहीं होगा सर, Na2SO4 किससे ऐसा करते हैं। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे क्या है हाइड्रोक्विनोन और क्विनोन होता है। देखो हाइड्रोक्विनोन बेसिकली क्विनोन को बात करो तो इसको क्यू से लिखते हैं, हाइड्रोक्विनोन में दो एच प्लस एक्स्ट्रा है तो इसको QH2 से ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। अब इनमें कैसे रिएक्शन होती है वो देख लेते हैं। देखो हमारा होता क्या है, हमारा क्या है, मैं अगर लिखना चाहूँ तो देखो जरा, अगर मैं क्विनोन से शुरू करता हूँ, मैं क्या है कैथोडिक रिएक्शन लिख रहा हूँ बेसिकली, क्या हो गया सब पीटीएम है सर मेडिकल वालों की, तो एक पांच मिनट का काम है, बस पांच मिनट कर लो इसको खत्म कर लो, अब मैं इसके लिए ठीक है सर कोई नहीं कर लो पांच मिनट से। हाँ ठीक है, पांच मिनट की बात है बस। इसमें हाँ इस पे अगर मैं जैसे मैं क्या कह रहा था, मैं क्विनोन के बारे में लिखूंगा जैसे, तो क्विनोन में क्या होगा हमारा क्या रहेगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये चीज हो जाएगी, ये क्विनोन है, सॉरी एक मिनट, क्विनोन ये है हमारा, ठीक है। ये क्या करेगा, दो एच प्लस गेन करेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज रहेगी, मतलब तुम देख सकते हो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए होंगे, ये वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये वाले कार्बन की बताओ प्लस टू होगी और ये वाले कार्बन की कितनी होगी, प्लस वन होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन ने लिया और एक कार्बन इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन ने लिया, तो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बेसिकली अगर क्विनोन है हमारा वो किसमें जा रहा है, हाइड्रो क्विनोन में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे, टू प्लस टू एच प्लस लेके और दो इलेक्ट्रॉन लेके, ये चीज हो रही है, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। अब मुझे अगर मान लो इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखनी हो, इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखनी हो तो वो क्या हो जाएगी, ठीक है, इसकी नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई नॉट क्यू क्यू एच टू पी टी माइनस क्या हो जाएगी, 0.059 डिवाइड बाय एन कितना, टू log QH2 divide by Q H plus की concentration की power 2, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जो ये जो क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड होता है इसमें हम क्या लेके चलते हैं, हम इक्वल मोलर्स लेके चलते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर लेके चलते हैं हम क्विनोन और उसका हाइड्रोक्विनोन का, ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं हम, इक्विमोलर मिक्सचर होता है हमारा किसका, Q और QH2 का, QH2 का, ठीक है, ये चीज रहती है। और दूसरी चीज क्या रहती है, जनरली जो जो क्या है ये सॉल्यूशन होता है बेसिकली इनका, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है, तो ये जनरली हम कैसे लेके चलते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं बेसिकली, ठीक है। मैंने बताया था ना आयनिक फॉर्म में रहते हैं इनऑर्गेनिक वाले आयनिक फॉर्म में रहते हैं, यहाँ ये क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसका सॉल्युबिलिटी कम रहता है तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और सॉलिड फॉर्म की वैसे भी हम कंसंट्रेशन नहीं लिखते, और नहीं तो हमने क्या इक्विमोलर भी लिया है तो ये दोनों क्या है लिखते ही नहीं, हम कैंसिल हो जाते हैं ये, तो ठीक है। यहाँ क्या बचता है हमारा 0.059 बाय 2 log 1 बाय h प्लस का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हो गई। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, अगर हम प्लस करके ऊपर ले जाएंगे फिर इसको, हाँ प्लस करके ये ऊपर आ जाएगा 0.059 बाय 2 log h प्लस का स्क्वायर, यस सर,
ठीक है, वो स्क्वायर जो आएगा वो टू से कैंसिल हो जाएगा, कैसे कि सर बाहर आ जाएगी पावर। हाँ पावर क्या है, बाहर आ जाएगी टू लॉग एच प्लस का एच प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये टू से टू कैंसिल हुआ, ये कितना आया ई नॉट क्यू क्यू एच टू पी टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन पी एच लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बताओ। क्या सर लिख, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया ना, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया मतलब कि लॉग एच प्लस क्या होता है बेसिकली, पी एच क्या होता है माइनस लॉग एच प्लस, तो मैंने क्या किया माइनस इधर लेके लॉग एच प्लस की जगह माइनस पी एच लिख दिया, तो ये बन गया, ठीक है। तो ये भी जो इलेक्ट्रोड है बेसिकली अगर हम बात करें, ये भी जो इलेक्ट्रोड है हमारी, ये किस काम आ रही है, ये हमारी किस काम आ रही है, ये भी हमारी पीएच मेजर सॉल्यूशन की पीएच वगैरह मेजर करने के काम आती है, ठीक है, सॉल्यूशन वगैरह की पीएच मेजर करने के काम आती है ये हमारी इलेक्ट्रोड, ठीक है। जैसे हमने बता दो ये वाला क्या हो गया बोलो, अच्छा फिनाहाइड्रोन वाला, यस सर, चलो ठीक है, देखो तुमने जल्दी जल्दी के चक्कर में जल्दी करवा दिया। देखो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड क्या होता है बेसिकली, ये हमारा इक्विमोलर मिक्सचर होता है क्यूनोन और हाइड्रोक्यूनोन का, ठीक है। मैंने क्यूनोन और हाइड्रोक्यूनोन का स्ट्रक्चर बना दिया तुम्हारे आगे, क्यूनोन ये होता है हाइड्रोक्यूनोन ये होता है, ठीक है। अब ये कैसे कन्वर्जन होता है दोनों के बीच में, अब दोनों के बीच में कैसे कन्वर्जन होता है बेसिकली, ठीक है। ये क्यूनोन है जैसे हमारा, ये क्या करता है दो एच प्लस लेता है, ये रिएक्शन होती है बेसिकली, रिडक्शन रिएक्शन देख रहे हैं हम इसकी, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या है इसमें बन रहा है हमारा, ये चीज क्लियर हुई। अब इसके लिए अगर नस्ट इक्वेशन लिखूं तो नस्ट इक्वेशन क्या होगी, Q से QH2 बनना प्लेटिनम, ठीक है, माइनस 0.059 बाय 2 का चेंज हो रहा है log QH2 बाय Q इनटू H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये चीज यहां तक क्लियर है, ठीक है, ये वाले स्टेप तक, ये वाले स्टेप तक क्लियर है। अब देखो हमने क्या किया है बेसिकली, क्वीन हाइड्रोन जो हमने सॉरी लिया है वो जो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड में हम क्या करते हैं इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं, तो जो QH2 की और Q की कंसंट्रेशन होती है वो क्या है इक्वल होती है, नहीं तो दूसरी चीज हम ये भी बोल सकते हैं, दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो है हम इनकी एक्टिविटी क्या है मतलब कि सॉलिड है तो इनकी एक्टिविटी को वन ही लेके चलते हैं, वन ही लेके चलते हैं, हाँ वन ही लेके चलते हैं। तो ये क्या बचता है बेसिकली, ये हमारा बच गया ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया जब मैं इसको ऊपर लेके गया, ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ पे चेंज कैसे किया, मैं डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या माइनस आगे आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, फिर मैंने इसका टू आगे ले दिया, मैंने इसका टू आगे यहाँ ले लिया तो ये टू से टू कैंसिल हो गया, ये चीज हो गई। अब मुझे पता है लास्ट में देखो कि पीएच जो होता है वो क्या होता है माइनस लॉग एच प्लस होता है, माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लॉग एच प्लस की वैल्यू क्या रख दी, माइनस पीएच रख दी और ये बन गया हमारा, बताओ यहाँ तक अब क्लियर है, यस सर, ठीक है। ये जो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है ना बेसिकली ये हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी क्या यूज कर सकते हैं पीएच मेजर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे हमने वहां किया था तुमने देखा होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो फाइनल एक्सप्रेशन में पीएच आया था जो प्रेशर वन बार था, और यहाँ से भी क्या है पीएच आता है हमारा, हम पीएच निकाल सकते हैं किसी भी सोल्यूशन का। लेकिन ये वाली जो है हमारी इलेक्ट्रोड जो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड होती है ये ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन से, वहां पे डिफिकल्टीज आती है इसलिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसके भी कुछ डिमेरिट्स होते हैं खुद के, ठीक है, लेकिन हम इनको क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जगह यूज कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक,